मनोभवं वर्ते पूछामि समय पाहुड़ मेहो सुद के वेली भणिदम समय सार परमागम हमारे समक्ष विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद नव तत्वों का ज्ञान और नव तत्वों का भी क्या, नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति उसका ज्ञान करा। नव तत्वों का ज्ञान वास्तव में किस लिए करना कि नव तत्वों का ज्ञान नव तत्वों के लिए नहीं करना है, नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति है अथवा आत्म ज्योति है उस आत्म ज्योति के ज्ञान के लिए ही तो नव तत्वों को जानना होता है। कोरे नव तत्वों को जानने से काम नहीं चलता, नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति है उसे जानने से काम चलता है। तो दूसरे सभी ग्रंथों में, हालांकि किसी भी ग्रंथ की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में इतनी खुलासा करके और नव तत्वों का तो आया है वर्णन, लेकिन नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है उस पर इतना एकदम स्पष्ट रूप से जो है चिंतन, वो आचार्य कुंद कुंद ने इतना बढ़िया प्रकट किया है कि पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और मूलभूत जो बात है वो साफ साफ समझ में आती है, जो मूल में भूल हम करते आ रहे हैं, मूल में भूल मतलब जो बेसिक बात है उसमें जो भूल करते जा रहे हैं वो भूल का भी निराकरण हो रहा है। आप देखो आचार्य कुंद कुंद ने ये समझाया कि बंध कैसे होता है, बंध का वास्तविक कारण क्या है, है बंध अध्यवसान से होता है। अब हम भला भी करते हैं जीवों का, परोपकार भी करते हैं, अहिंसा का भी पालन करते हैं, सत्य भी बोलते हैं, ब्रह्मचर्य भी पालते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी यदि मान्यता में यह है कि ये सबको मैं करता हूं तो क्या होगा, तो मिथ्यात होगा। बताओ पुण्य भी आया लेकिन साथ में मिथ्यात्व को लेकर आया तो कितनी विचित्र बात हो जाएगी, है ना। तो ये बात यहाँ बतानी है। अब जो गाथा 265 हमने पहले पढ़ी थी एक बार जरा उसी को पढ़ते हैं। इसमें क्या बताएंगे, लेकिन इसमें ये बताएंगे कि जगत में माने शास्त्रों में और भी आचार्यों ने भी विद्वानों ने भी पर वस्तु को त्याग करने का जो बार बार उपदेश दिया है कि तुम ये छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो जो उपदेश दिया है और आप तो कह रहे हो पर वस्तु से कोई बंद होता ही नहीं है, आप तो कह रहे हो वस्तु से बंद होता नहीं और इधर तो आप कह रहे कि वस्तु छोड़ दो, तो ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों, वस्तु को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, यदि वस्तु से बंद ही नहीं तो फिर उसको क्यों छोड़ना। तो उसका उत्तर ये जो है 265वीं गाथा देती है और ये बताती है कि वो जो वस्तु है वो आपके बंध के कारण का भी कारण है, आपके बंध का असली कारण अध्यवसान है और अध्यवसान उस वस्तु के निमित्त से होता है, इसलिए उस वस्तु से दूर हो जाओ। जिस आदमी का चेहरा देख के परिणाम बिगड़ते हो उस आदमी से दूर हो जाओ। ऐसे ही समझाता है प्रारंभिक स्तर पे, तो ऐसी बात को स्पष्ट करने के लिए ये गाथा। वस्तुम पडुच्च जंपुण अज्यवसानम दुहो दिजीवाणम नयवत्थु दो दुद्वंधो नयवत्थु दो दुबंधो अज्यवसानेन बंधोत्थी। बहुत स्पष्ट है, वत्थुम पडुच्च यानी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा से, वस्तु के आलंबन से अज्यवसानम होदी यानी में होते हैं, अध्यवसान होते हैं, जीवाणु मतलब जीवों के, नयो वत्थुदो बंधो और वस्तु से, वत्थुदो यानी वस्तु से, पंचमी है, वस्तु से बंध न यानी नहीं होते, वस्तु से बंध नहीं होते हैं बल्कि वस्तु के आलंबन से जो अध्यवसान होते हैं उनसे बंध होते हैं, अध्यवसान न बंधोत्थी। ये है, ये तो जो है मूल शब्दार्थ पहले भी बताए थे, हिंदी है, ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से पर वस्तु से ना बंद हो बंद अध्यवसान से, वस्तु से बंद नहीं लेकिन वस्तु के अध्यवसान से है, इसलिए उसको निमित्त का भी निमित्त कारण का भी कारण जानकर छोड़ने की बात कही है।
शास्त्रों में ये बात कह तो दी है कि वस्तु छोड़ दो वस्तु छोड़ दो, लेकिन वस्तु छोड़ दो ये बात को कहने से आप इस भ्रम में मत आना कि वस्तु से बंद होता है। शास्त्रों में बारंबार कहा कि तुम ये वस्तु से दूर हो जाओ, ये छोड़ दो, ये त्याग कर दो, तो हमको क्या भ्रम हो जाता है, हम सोच अच्छा ये वस्तु को छोड़ना यानी कि वस्तु से बंद होता होगा, ऐसा वो हमारी प्रॉब्लम है, हम उसको गलत समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम नहीं कर, बल्कि ऐसा सोचना कि शास्त्रों में जो वस्तु को छोड़ने की जो बात की है ना, जब भी वस्तु को छोड़ने की बात है उसका मतलब है वस्तु के आलंबन से होने वाले जो तुम्हारे बुरे परिणाम है, खोटे परिणाम है, वो मत करो, वो छोड़ दो। ये बहुत स्पष्ट बात है, धर्म का सच्चा स्वरूप जो है इधर से ऐसे समझ में आता है। अब देखो इस गाथा में जो है काफी कुछ चर्चा तो अपन ने पहले कर ली, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो चर्चा और भी है। पहले तो और भी तो क्या है, पहले तो जो चर्चा की थी वो थोड़ी सी क्लिष्ट हो गई, कठिन हो गई, उसमें शब्द जो है न्याय की भाषा के हैं इसलिए थोड़े से कठिन हो गए। तो वो शब्द क्या है जरा पहले उनको समझ लें अच्छी तरह से। पहले तो ये समझो कि समय सार की दो टीकाएं मूल रूप से है हमारे पास, संस्कृत में दो टीका है, एक आचार्य अमृतचंद्र की और एक जयसेन आचार्य। आचार्य अमृतचंद्र की टीका को आत्मख्याति कहते हैं और जयसेन की टीका को तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। दोनों आचार्य ने बाह्य हिंसा को ही बंद का कारण मानने पर आपत्ति बताई है, ऐतराज बताया, ऑब्जेक्शन उठाया है और उसमें दोष गिनाए हैं। लेकिन दोनों आचार्यों के दोष का नाम डिफरेंट है। आचार्य अमृतचंद्र तो कहते हैं कि इसमें अनेकांतिक दोष आएगा और आचार्य जयसेन कहते हैं कि इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठ रहा है, अन्वय व्यतिरेक का अभाव हो रहा है। ऐसे दो आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए। अब आप कहोगे कि ये भाई अनेकांतिक दोष क्या है ना, हालांकि जल्दबाजी में पिछली बार बताया था, लेकिन आप यूं समझो अनेकांतवाद जो सिद्धांत है अपना है, नाम मिलता जुलता है ना, तो अनेकांत सिद्धांत क्या होता है कि वस्तु सत है वस्तु असत है, वस्तु है भी कथनचित है कथनचित नहीं है, ऐसा ही होता है ना, दो तरफ जो बात जाती है वो अनेकांत होता है। तो इसी तरह से जिस कारण से कार्य कभी हो और कभी नहीं हो, समझ में आया, जिस कारण से कार्य कभी तो हो जाए और कभी नहीं हो जाए, तो ऐसे कारण को बोलेंगे अनेकांतिक कारण। अनेकांतिक कारण कहो या अनेकांतिक हेतु कहो, कारण और हेतु एक ही बात है। तो अनेकांतिक हेतु है वो। अनेकांतिक हेतु है, कभी कारण से कार्य हो जाता है कभी कारण से कार्य नहीं होता है। अब यहां पर जो कारण था वो कौन सा लिया कि बाहर में हिंसा हो, बाहर में जीव मर जाए और फिर बंद होए, ठीक है ना। तो बंद होना ये तो है कारण, सॉरी कार्य, बंद होना वो है कार्य और बाहर में हिंसा होना वो है कारण, ठीक है। तो कारण भी बता दिया आपको और कार्य ये भी बता दिया। तो बाहर की हिंसा से कभी कार्य हो जाए माने कभी बंद हो जाए, और कभी कार्य नहीं हो मतलब कभी बंद नहीं हो। तो ऐसे होता है ना, बाहर में हिंसा हो जाए लेकिन मान लो अपने अंदर में अधिवसान नहीं है तो इधर बंद होगा ही नहीं, कारण है बंद होगा नहीं, कभी कभी बंद हो जाए कभी अधिवसान होगा। तो इसलिए कभी तो बंद हो जाता है कभी नहीं होता है, इसलिए ये जो हेतु है ये जो कारण है आपका कौन सा वाला कि बाहर से हिंसा हो तो बंद हो, ये वाला जो कारण है ये वैलिड नहीं है, रिलायबल नहीं है, वैध और विश्वसनीय कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये अनेकांतिक कारण। ऐसा आचार्य कौन से अमृतचंद्र आचार्य समझा रहे हैं। देखो इसको और अच्छी तरह से समझ लो, उदाहरण से बता दें कि जैसे मान लो ये जो बिजली जलाते हैं अपना स्विच ऑन करते हैं, बिजली जल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, तो आपका मान लो घर में ये स्विच है वो इतना खराब हो जाए कि आप उसको कभी ऑन करें और बिजली कभी तो जलती है और कभी ऑन करें और बिजली जलती नहीं है, अंदर कोई तार लूज हो गया समझ लीजिए, तो कभी आप स्विच ऑन करें और बिजली आ जाए और कभी स्विच ऑन करे तो भी बिजली नहीं आए। तो ऐसी जो खराबी आ जाती है
इस खराबी को बोलते हैं अनेकांतिक खराबी। यानी उससे कार्य हो जाए, कभी नहीं भी हो जाए। तो ऐसा ही हेतु है ये, बाहर में हिंसा होने से बंद मानना, ये ऐसा है। समझ में आया? ऐसा। और भी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, और बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। है वो एक कुत्ता जो गाड़ी के नीचे चलता है, ऐसा एग्जांपल है ना समय उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि एक जो है बैलगाड़ी है, बैल बुलेट कार्ट, और वो बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जो है चलता है, और वो चलता है और ये समझता है कि इस गाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ। और क्या करता है कि वो कुत्ता कभी रुक जाता है, और बाई लक बाई चांस उसी वक्त वो गाड़ी वाला भी रुक जाता है, गाड़ी रोक देते हैं। तो वो कुत्ता समझता है देखो मैं रुक गया, गाड़ी भी रुक गई। मैं ही चला रहा था, इसका मतलब मैं चलता हूँ तो गाड़ी चलती है, मैं रुक जाता हूँ तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन कभी कभी वो जो है कुत्ता रुक जाता है तो भी गाड़ी नहीं रुकती। कभी कुत्ता रुक जाए तो गाड़ी रुक जाती है, कभी कुत्ता रुक जाए तो भी गाड़ी नहीं रुकती है, है ना। तो इसका मतलब हो गया अनेकांतिक हेत्वाभास, यानी कुत्ते की जो मान्यता है कि मैं गाड़ी को जो चला रहा हूँ वो अनेकांतिक दोष से दूषित मान्यता है, गलत है ना। अब ये तो हुआ आचार्य अमृतचंद्र वाला लॉजिक, ठीक है। अब आचार्य जयसेन वाला जो लॉजिक है वो दूसरा क्या लॉजिक है? वो लॉजिक यह है कि अन्वय व्यतिरेक दोनों नहीं बैठते हैं, अन्वय व्यतिरेक दोनों नहीं बैठते। ये थोड़ा सा एक कदम और आगे की बात हो गई, अन्वय नहीं बैठता ये तो इसमें आ गया अनेकांतिक हेत्वाभास, लेकिन व्यतिरेक नहीं बैठता ये और एक्स्ट्रा वाली बात हो गई। उन्होंने कहा जैसे, चलो पहले एग्जाम्पल पे बताऊं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी आई, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ो, अब स्विच ऑन आपने किया ही नहीं, यही नहीं स्विच ऑन, लेकिन लाइट फिर भी जल गई। ये गजब हो गया, स्विच ऑन करते थे तो कभी जल जाती थी कभी नहीं जल जाती थी, लेकिन इस बार तो स्विच ऑन किया ही नहीं तो भी जल गई है। इसको बोलते हैं व्यतिरेक का नहीं होना, व्यतिरेक का अभाव। लाइट स्विच ऑन करें और बिजली नहीं आए तो इसका मतलब है अन्वय का अभाव, ठीक है। और स्विच ऑन नहीं करे तो भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो इसका मतलब है व्यतिरेक का भाव। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय माने की होना, कार्य का होना, ठीक है, और व्यतिरेक यानी कार्य का नहीं होना, ऐसा। यानी कि क्या उल्टा तो नहीं बोल गया, अन्वय माने होने पर, कारण के होने पर कार्य का होना, वो है अन्वय। और व्यतिरेक का मतलब है कारण के नहीं होने पर कारण का नहीं होना, सॉरी कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना, वो व्यतिरेक। फिर से बोलें, इधर कारण है तो कार्य होना चाहिए, ठीक है, ये हुआ अन्वय। और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होना चाहिए, ये हुआ व्यतिरेक। तो ये ऐसा रहे तब तो उस कारण पे सबको विश्वास हो सकता है, है ना, सबको समझ में आएगा हाँ ये बराबर कारण है। लेकिन आचार्य जयसेन कहते हैं कि ये दोनों ही बातें लागू नहीं पड़ रही, इधर कारण है बाहर में हिंसा वाला और इधर बंद होता ही नहीं तो अन्वय नहीं हो रहा लोग, और इधर जो है बाहर की हिंसा जो है नहीं है और फिर भी बंद हो रहा है तो बोल रहे व्यतिरेक भी नहीं, अन्वय भी नहीं है व्यतिरेक भी नहीं है, तो दोनों ही बातें घटित नहीं होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि पर वस्तु से कभी भी बंद नहीं होता, पर द्रव्य की हिंसा से बंद नहीं होता, बाहर में हिंसा होए तो भी बंद नहीं होता, बाहर में हिंसा नहीं होए तो भी ये गारंटी नहीं कि बंद नहीं होगा। देखो कितना एकदम स्वतंत्र दृष्टि दी है उन्होंने, कहा है कि पर द्रव्य का हिंसा से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए तो इस अधिकार की स्टार्टिंग में जो बात कही थी, देखो हर अधिकार की शुरुआत की गाथा एक स्टेटमेंट है, फिर उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आगे की बात है। तो इस अधिकार की स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था कि जैसे लोक में कारमण वर्गणाएं भरी हैं वे भी बंद का कारण नहीं है, पांच इंद्री के विषय भोग वो बंद का कारण नहीं है, मन वचन की क्रिया वो बंद का कारण नहीं है, बाहर में जीवों की हिंसा होना, सचित अचित द्रव्यों का घात उससे भी हिंसा नहीं है। तो बताओ सचित अचित द्रव्य मुझसे भिन्न है कि मैं ही हूँ? मुझसे भिन्न है,
मन वचन क्रिया मुझसे भिन्न है, पांच इंद्रियां मुझसे भिन्न है, लोक में भरी कारमण वर्गणा वो मुझसे भिन्न है। तो वो परद्रव्य है, मुझसे भिन्न है, तो मुझसे भिन्न है इसलिए उस परद्रव्य से मुझे कैसे बंद हो सकता है। यदि उस परद्रव्य से मुझे बंद हो जाए इसका मतलब है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता बन जाए, जो कि जिनवाणी को अनुकूल नहीं है, जिनवाणी के विरुद्ध कथन है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये सारी बातों से हिंसा का कोई संबंध नहीं। गजब हो गया। आज तक हम सुनते आ रहे हैं इसकी चींटी को मत मारो, जीवों को मत मारो, हिंसा होती है, पाप लगता है। है को मारने से नहीं, मारने के भाव से होता है बंद। ये विचित्र बात है। अभी इस बात को और स्पष्ट करते हुए, थोड़ी गहराई में जाते हुए, जो पेज जहां छोड़ा था हमने लास्ट टाइम, उस बात को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, है ना। एक स्टेप और आगे बढ़कर के समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं देखो आप। परद्रव्य से बंद नहीं है, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से होने वाले जो अध्यवसान भाव है उनसे बंद है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हुआ एक तरीके से। अब शिष्य थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा करके दूसरी बात इसी में से निकाल के फिर पूछता है कि अच्छा परद्रव्य से बंद नहीं है तो फिर तो स्वद्रव्य से भी मोक्ष नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया। एक स्टेप आगे बढ़ गए अपन, अब थोड़ा सा गंभीर है। कह रहे कि जब द्रव्य से कुछ बंद मोक्ष है ही नहीं, ठीक है ना, द्रव्य से बंद मोक्ष, स्वद्रव्य से तो मोक्ष नहीं और परद्रव्य से बंद नहीं, जब परद्रव्य से बंद नहीं इसका मतलब स्वद्रव्य से मोक्ष नहीं। तो द्रव्य दोनों ही, स्वद्रव्य हो चाहे परद्रव्य हो, दोनों ही द्रव्यों से बंद मोक्ष होता नहीं है। तो ये बंद मोक्ष होता किससे है। वो कह रहे कि बंद मोक्ष उन द्रव्यों के आश्रित जो परिणाम होते हैं ना उससे है। ये तो देखो गंभीर बात आई है। क्या गंभीर बात आई है देखो। पर द्रव्य से बंद नहीं है, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो अपने मिथ्याद्यवसान रूप जो परिणाम है उनसे बंद है। इसी प्रकार स्वद्रव से भी मोक्ष नहीं, लेकिन स्वद्रव के निमित्त से होने वाले जो सम्यक अध्यवसान, सम्यक अध्यवसान माने रत्नत्र के परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, उन परिणामों से मोक्ष है, न कि अपने आत्मा से। क्या काम। देखो फिर से बोलो, अध्यवसान से बंद है लेकिन परद्रव से नहीं है, सम्यक अध्यवसान से यानी कि रत्नत्र से मोक्ष है लेकिन आत्मा से नहीं, स्वद्रव से नहीं। कि क्या बात कर रहे हो, आत्मा से मोक्ष नहीं है, स्वद्रव से मोक्ष नहीं होता। अरे क्या विचित्र बात है, आज तक तो हम यही सुनते आए कि आत्मा के आश्रय से मोक्ष होगा। तो करेगा हाँ, आत्मा के आश्रय से जो परिणाम उत्पन्न हुए थे ना उनसे मोक्ष होगा, न कि उस आत्मा से। गजब होगी कि क्यों, ऐसा क्यों, आत्मा से क्यों नहीं मोक्ष होगा। तो आचार्य कह रहे लॉजिक देखो, लॉजिक, वो आत्मा तो तुम्हारा कब से है, अनादि से है ना। तो जब कारण अनादि से मौजूद है तो कार्य भी अनादि से हो जाना चाहिए तुम्हारा मोक्ष। आज यदि आत्मा से ही मोक्ष होना हो तो आत्मा तो अनादि से है, उसी से मोक्ष हो जाना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब स्वद्रव्य से मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो उस स्वद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले जो रत्नत्व परिणाम है उनसे होता है। और वो रत्नत्व परिणाम तो कभी होंगे ना, अपनी योग्यता से होंगे, स्व काल पा करके जब काल लब्धि आएगी तब होंगे, काल लब्धि आएगी है, पर्यायगत योग्यता आएगी तब वो रत्नत्व परिणाम होंगे और उन रत्नत्व परिणाम से ही मुक्ति होगी। ऐसे है। यदि परद्रव्य से बंद हो तो परद्रव्य तुम प्रति समय मौजूद है, 24/7 मौजूद है, तो उन परद्रव्य से निरंतर बंद होता रहेगा, जीव कभी मुक्त होगा ही नहीं। तो कह रहे कि परद्रव्य से ना बंद है ना स्वद्रव्य से मोक्ष है, दोनों सही नहीं है। समझ में आई बात। गाथा में, मूल गाथा में तो परद्रव्य की बात थी, लेकिन यहाँ टीकाकारों ने उसको स्वद्रव्य पर भी घटित करके इतना बढ़िया तरीके से समझाया, सोचने योग्य बात है। ये पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं जाता है, निकल जाती है बात दिमाग से। लेकिन जोरदार बात है ये, स्वद्रव्य से भी मोक्ष नहीं बल्कि स्वद्रव्य के आश्रित परिणामों से मोक्ष है, ये बात यहाँ पर है। समझ में आई बात। और क्या बात बची इस गाथा में, इस गाथा में हाँ एक एग्जाम्पल भी दिया था कि परद्रव्य के आश्रय से होने वाले जो अधिवसान है वो परद्रव्य के आश्रय से होते हैं,
न कि किस, ऐसा नहीं होता कि परद्रव का आश्रय नहीं हो और फिर अतिवसान होते रहे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि परद्रव का कुछ ना कुछ अवलंबन तो चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था कि मैं मारता हूँ, ठीक है, मैं मारता हूँ, लेकिन किसको मारता हूँ, कि नहीं नहीं किसी को नहीं, तो ऐसे ऐसे कैसे बनेगा अतिवसान? कोई ना कोई तो होगा ना जिसको मारने के तुम परिणाम करते हो, तो वो कोई ना कोई जगत में होना चाहिए, तभी ये बात कही जा सकती कि मैं उसे मारता हूँ। यदि कोई है ही नहीं तो उसके बारे में कैसे कहेंगे कि मैं मारता हूँ? जैसे यहाँ उदाहरण दिया, मैं वीर जननी के पुत्र को मारता हूँ। एक वीर है, वीर माता है, उसका वीर बेटा है, मैं उसको मारता हूँ। अरे वीर हो चाहे कायर हो, लेकिन होगा तो सही जगत में। आप ऐसा मत समझना, यहाँ वीर लिखा है तो वीर ही, कायर भी हो सकता है। वीर को मारता हूँ, कायर को मारता हूँ, है कमजोर को मारता हूँ, मजबूत को मारता हूँ, छोटे को मारता हूँ, कुछ भी हो सकता है। जो जो जगत में वो सब लगा लेना, बहुत सारे। लेकिन वंद्या का पुत्र जगत में होता है क्या? वंद्या का पुत्र तो होता ही नहीं जगत में। तो अब ये अध्यवसान कभी बन ही नहीं पाएगा कि मैं वंद्या के पुत्र को मारता है। वंद्या स्त्री वो होती है जिसके कभी पुत्र नहीं हो, जिसके पुत्र हो जाए वो वंद्या नहीं होती है। तो वंद्या का पुत्र ही नहीं होता जगत में, तो मैं वंद्या के पुत्र को मारता हूँ, ये बात कैसे बैठ? तो कह रहे हैं कि जब तक कोई ना कोई आश्रय परद्रव का नहीं मिलेगा, तब तक जो है अध्यवसान होते नहीं। क्रोध आएगा तो किसी ना किसी पर आएगा, मान होगा तो किसी ना किसी, जो 8 कारण बताए थे मान के, है ना, कौन कौन से, कि शरीर सुंदर होना चाहिए, ये ना ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वृपु, ये 8 कारण है। तो 8 कारण में से कोई तो कारण होगा, तभी तो मान आएगा कि साम में सुंदर हूं, इस बात का घमंड हो सकता है, मैं धनवान हूं, इसका घमंड हो सकता है, मैं ज्ञानवान हूं, मैं इसका घमंड हो सकता है। तो कोई ना कोई आश्रय चाहिए, ऐसे ही मायाचारी के लिए भी आश्रय चाहिए, लोभ के लिए भी आश्रय चाहिए, अधिवसान के लिए आश्रय चाहिए, सबके लिए आश्रय चाहिए। तो बिना आश्रय के वो होता नहीं है। वीर जननी का पुत्र दुनिया में हो सकता है, कायर जननी का पुत्र भी हो सकता है, लेकिन वंद्या का पुत्र नहीं हो सकता, ऐसा। और दूसरा जो अन्वय वितरय घटित करने वाला एग्जाम्पल था, वो कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वो एग्जाम्पल दिया था कि कोई मुनिराज एरिया समिति पूर्वक बड़ी सावधानी से 4 कदम भूमि को देखते हुए चल रहे हैं, लेकिन काल प्रेरित, यानी जिनका काल आ चुका है, जिनकी आयु संपूर्ण होने वाली है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते, तत्काल उछल करके, और दिख भी जाए, मान लो दिख भी जाए तो क्या करें, मान लो उधर पैर पड़ने वाला है, तत्काल बीच में कोई जीव उड़ करके आया है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, अपनी सावधानी पूरी है, लेकिन वो उसका काल प्रेरित, काल से प्रेरित है, वो आ गया बीच में। तो अब मुनिराज का अध्यवसान तो ठीक है, मिथ्या नहीं है, तो इसलिए वो बंद नहीं होता है। तो ये अन्वय घटित नहीं होता है। कभी कभी बाहर में जीव हिंसा नहीं होती है, लेकिन फिर भी बंद हो जाता है, तो व्यतिरेक भी घटित नहीं होता, अन्वय भी घटित नहीं होता, कभी व्यतिरेक भी घटित नहीं होता। ये दोनों ओर से ये बात ठीक नहीं बैठती है, इसलिए ये बात समझे, समझ में आई बात? बहुत सारी बातें हैं इसमें, इस तरीके का निष्कर्ष है। देखो ये निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि बंद का कारण परद्रव नहीं, अध्यवसान है। और जब भी परद्रव को छोड़ने की बात कही जाए, तो इसका मतलब है अध्यवसान को छोड़ो, उस परद्रव से होने वाला जो अध्यवसान उसको छोड़ो, परद्रव छूटे या ना छूटे। देखो ये वाला पैराग्राफ पहले पढ़ दिया, लेकिन फिर से पढ़ देता हूँ, अच्छा है, सारांश है, 18वें श्लोक पेज पर है। वे कहते हैं कि बाह्य वस्तुओं के होने पर नियम से बंद हो, बाह्य वस्तुओं के यानी बाह्य हिंसा से नियम से बंद हो तो अन्वय हो, और बाह्य वस्तु के अभाव यानी बाहर में हिंसा नहीं हो और नियम से बंद नहीं हो तो व्यतिरेक सिद्ध हो। अन्वय माने होना और व्यतिरेक माने नहीं होना, सीधा है। आपको ये सब कठिन लगे तो एकदम सीधा है, कारण के होने पर कार्य हो तो अन्वय, कारण के नहीं होने पर कार्य भी नहीं हो तो व्यतिरेक, लेकिन दोनों बात नहीं है। कभी कारण होता है तो भी कार्य नहीं होता, कभी कारण नहीं होता है तो भी कार्य हो जाता है। मैं कैसे, देखो बाह्य वस्तुओं के होने पर यानी जीवों के हिंसा होने पर है, होने पर भी अध्यवसान के अभाव में बंद नहीं होता। बाहर में हिंसा हो गई लेकिन अध्यवसान नहीं था तो नहीं हुआ बंद, कार्य नहीं हुआ, और अतः अन्वय घटित नहीं हुआ।
और बाह्य वस्तु के अभाव में, यानी कि बाहर में हिंसा हुई नहीं लेकिन अंदर में अधिवसान था इसलिए बंद रूप कार्य हो गया, कारण है था ही नहीं और कार्य हो गया, तो इसका मतलब व्यतिरेक भी घटित नहीं होता, अन्वय भी घटित नहीं हुआ और व्यतिरेक भी घटित नहीं हुआ। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न भी उत्पन्न किया है, हालांकि ज्यादा बहुत एकदम दमदार वाली बात तो नहीं है, सीधा सा ऐसा क्वेश्चन कहा कि भाई ये दो आचार्य ने दो अलग अलग दोष क्यों गिनाए, एक तो बोल रहे हैं अनेकांतिक दोष है, दूसरा बोल रहे हैं अतिरिक्त नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसे इनमें विरोध है क्या, दोनों आचार्य एक मत क्यों नहीं है, दोनों ने एक जैसा क्यों नहीं कहा, दोनों ने अलग अलग क्यों कह दिया, ऐसा ऐसा प्रश्न है। तो उस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा सिंपल है, क्या है, अरे भाई दोनों ही आचार्य एक ही बात सिद्ध कर रहे हैं कि अध्यवसान ही बंद के कारण है, अन्य वस्तु नहीं, अंतर तो मात्र हेतु में है, हेतु यानी कारण, लॉजिक अलग है लेकिन बात तो मुद्दे की है। जैसे मान लो मैथ का सवाल है तो मैथ के सवाल के जो फॉर्मूला होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं ना, लेकिन कोई बालक तो किसी फॉर्मूले से सॉल्व करे, कोई दूसरा किसी से सॉल्व करे, लेकिन उत्तर तो समान आ रहा है ना, तो ऐसे ये दोनों आचार्यों के फॉर्मूले यानी कि जो लॉजिक है वो भले ही डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मूलभूत जो बात सिद्ध करनी है वो तो बराबर है, वो बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाह्य वस्तु के वस्तुओं को बंद का कारण मानने में एक ने तो अनेकांतिक हेत्वाभास का दोष दिया और दूसरे ने अन्वय व्यतिरेक का अभाव बताया, बस बात मात्र इतनी ही है, इससे अधिक कुछ नहीं, इतने मात्र से दो आचार्यों में मतभेद देखना, मतभेद समझना ये समझदारी का काम नहीं है। लॉजिक अलग है लेकिन बात तो एक ही है ना, बात को जो सिद्ध करना चाह रहे हैं वो तो दोनों एक ही सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए दोनों आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, ये है। अब इसमें कह रहे हैं, अच्छा ये 19वां पेज यहाँ छोड़े थे हम पिछली बार, लेकिन इतनी सारी बात थोड़ी सी जल्दबाजी में क्लियर नहीं हुई थी क्योंकि कठिन शब्द थे ना, ये समझना जरूरी था इसके लिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हाँ एक प्रश्न और फिर अगले पेज पर उठाया, पेज पे ये उठाया कि बाह्य वस्तु विद्यमान नहीं हो, आप कह रहे हो ना वस्तु हो और उसके आश्रय से फिर अधिवसान हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी बाह्य में वस्तु मौजूद नहीं भी हो तो भी परिणाम तो बिगड़ सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप, कह रहे हो कि बाहर में वस्तु हो या उसका कोई ना कोई आलंबन हो तभी तो अधिवसान होगा, और हम कह रहे बाहर में कभी कोई वस्तु नहीं हो तो भी परिणाम में मलिनता विकार भाव अधिवसान मिथ्या कुछ तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा प्रश्न। तो उस प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं, भाई विभाव परिणाम या अधिवसान होने में बाह्य वस्तु का आश्रय तो अवश्य होता है, क्या अवश्य होता है, किंतु भले ही वह वस्तु वर्तमान में समीप नहीं हो, बाह्य वस्तु का कार्य के समीप होने का नियम नहीं है परंतु उसका आश्रय होता जरूर। ये लाइन में सब बात आ गई, देखो बाहर में वस्तु मौजूद नहीं है लेकिन फिर वो जो अधिवसान हुआ वो किसी न किसी के आश्रय से हुआ, वो वस्तु की याद तो आई होगी, वो वस्तु के बारे में अनुभव किया होगा, सुना होगा, कुछ देखा होगा, कभी आज यहाँ नहीं है मौजूद लेकिन कभी तो उसके आश्रय से परिणाम बिगड़ते हैं। जैसे सूरदास जी थे, सूरदास जी ने जो है देखा कि मेरी ये जो आंखें हैं ये बहुत मुझसे पाप कराती हैं, ये जो है पराई माता बहनों को देख करके मुझे विकार भाव कराती हैं, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं अपनी आंखें ही फोड़ डालूंगा, और वो अपनी आंखें ही फोड़ लिए या जो भी किया, कहने का मतलब ऐसी सुनी हुई बात है मेरी, तो जो भी किया उन्होंने अपनी आंखों से वो अंधे हो गए। अब बताओ फिर विकार भाव हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी हुआ। क्यों, वो वस्तु भले ही समीप नहीं है लेकिन उस वस्तु का आलंबन तो है चित्त में, पहले कभी देखी थी, तभी तो सूरदास की जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य में तो वो रचनाएं बहुत ही श्रृंगार रस से भरी हुई हैं आज भी, विकार नहीं मिटा, वस्तु बाहर हो या न हो, समीप हो या न हो, लेकिन वस्तु का आलंबन जरूर होता है, जब भी ये जो है परिणाम बिगड़ते हैं, कोई ना कोई गुस्सा आता है। अच्छा शोक हुआ, शोक माने कोई आपकी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो शोक होता है, तो शोक हुआ, तो बताओ कोई ना कोई इष्ट वियोग हुआ होगा तभी तो हुआ ना, वो
तो ऐसे कोई ना कोई, अच्छा डर लगा, भय, भय कसाय उत्पन्न हुई, तो कोई ना कोई बात होगी तभी तो भय लगा होगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ आलंबन जरूर होता है, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखो इसमें दो तीन पैराग्राफ अच्छे हैं जो मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे पैराग्राफ हैं। हाँ, जिस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चर्य, ये 20 पेज पर है, जिस तरह सम्यक दर्शन, यही है वो स्वद्रव का आश्रय और परद्रव का आश्रय, उस बारे में, जिस तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम स्वद्रव के आश्रय से होते हैं, स्वद्रव के आश्रय से, उसी प्रकार विकारी परिणाम परद्रव के आश्रय से होते हैं। सम्यक परिणाम स्वद्रव के आश्रय से, विकारी परिणाम परद्रव के आश्रय से, यह कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। फिर भी जगत कहता है कि व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम स्वद्रव के आश्रय से प्रकट होते हैं। व्यवहार कहते ही किसको है, फिर से बोलता हूँ परिभाषा, छोटी सी परिभाषा याद रखना, स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहारा है, फिर से बोल, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, कि ये जो व्यवहार रत्नत्रय नाम के उसके अंदर वर्ड पड़ा हुआ है व्यवहार, व्यवहार शब्द है ना, व्यवहार कहते किसको है, पराश्रितो व्यवहार, जो परद्रव के आश्रय से होता है उसको व्यवहार बोलते हैं। तो इसका मतलब व्यवहार रत्नत्रय भी परद्रव के आश्रय से होते हैं, देव सात गुरु के आश्रय से। देव कौन है, परद्रव है, शास्त्र कौन है, परद्रव है, गुरु कौन है, परद्रव है, देव शास्त्र गुरु के आश्रय से जो व्यवहार रत्नत्रय होता है वो भी परद्रव के आश्रय से होने के कारण उसको व्यवहार रत्नत्रय कहा, स्वद्रव तो अपने आत्मा के आश्रय से ही होगा ऐसा, वो निश्चय रत्नत्र, सॉरी निश्चय रत्नत्र, वो अपने आत्मा के आश्रय से, क्योंकि स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार है, ये सूत्र है ऐसा है। अब जो अगला पैराग्राफ है कॉमन है, इतना प्रवचनकार जो है अपनी अपनी धुन में जो बात बता रहे हैं वो जानकारी की दृष्टि से है। यहाँ कहते हैं कि जिसने स्वद्रव में एकत्व स्थापित करके स्वद्रव के आश्रय से निर्मल रत्नत्व का परिणाम प्रकट कर लिया, उसको परद्रव के आश्रय से कोई परिणाम होता ही नहीं। आप कहोगे देखो ये थोड़ी सी और एक स्टेप आगे की बात है, आप कहोगे कि परद्रव का आलंबन हुआ तब परिणाम बिगड़े, और कई कई बार तो मुनिराज को परद्रव का आलंबन बहुत हो जाता तो भी परिणाम नहीं बिगड़ते, कि क्यों नहीं बिगड़ते, कि उन्होंने स्वद्रव का में इतना एकत्व स्थापित कर लिया कि अब जो है परद्रव कितना भी कुछ करे ना वो भटक नहीं पाता जीव, ऐसा है। स्वद्रव में एकत्व स्थापित करके स्वद्रव के आश्रय से निर्मल परिणाम प्रकट कर लिया, उसको परद्रव के आश्रय से कोई परिणाम होता ही नहीं है, ऐसा वितरागता का कोई अलौकिक मार्ग है, परंतु बेचारे अज्ञानी जीवों को लौकिक कार्यों में अटके रहने के कारण ऐसे तत्व का परिचय ही नहीं है, तत्व ज्ञान के अभ्यास करने का अवसर ही उन्हें नहीं मिलता, तत्व ज्ञान का अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिलता। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनकी ड्यूटी कितनी लंबी होती है, बहुत घंटे घंटे काम करना पड़ता है, डॉक्टर को कभी भी कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, मरीज आ गया साहब, मरीज कभी भी आ सकता है, हैं? तो वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिसकी पढ़ाई में लाखों करोड़ों खर्च हुए हैं, पूरा जिंदगी का सपना है, और कितनी कितनी प्लानिंग से कितना किया था, लेकिन फिर भी है वही चीज आ रही है। देखो इधर यहाँ लिखा वही पढ़ देता हूँ, गुरुदेव कांजी स्वामी ने अपने प्रवचनों में कहा, क्या कहा, कि परंतु बेचारे अज्ञानी जीवों को लौकिक कार्यों में अटके रहने के कारण ऐसे तत्व का परिचय ही नहीं है, पढ़ाई तो बहुत ऊंची की लेकिन क्या फायदा हुआ, इतना टाइम ही नहीं है कि जिनवाणी का अभ्यास करे, तत्व ज्ञान के अभ्यास करने का अवसर ही उन्हें नहीं मिलता। देखो ना 25-25 वर्ष तक लौकिक पढ़ाई में समय चला जाता, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इसी बीच में आयु समाप्त हो जाए तो गए काम से, बीच में आयु पूरी हो गई तो वो जो पैसा लगाया था पढ़ाई में वो भी गया, और मान लो आयु पूरी नहीं हुई, डॉक्टर बन गए तो क्या फायदा। देखो अमेरिका में जाकर पढ़ता है, 90% अंकों से पास होता है, इस कारण स्वयं के और कुटुंबी जनों के हर्ष का पार नहीं रहता, माता पिता खुश होते हैं, हमारा बेटा बहुत होशियार है, बहुत पढ़ाई किया, बड़ा डॉक्टर बन गया, पर विचार तो करो इसका एक अर्थ लाभ के सिवाय और क्या लाभ, पैसे का लाभ, अर्थ लाभ माने पैसे का लाभ, इसके अलावा और क्या,
अर्थ लाभ पुण्योदय के बिना नहीं मिलता, और वो जो पैसे का लाभ है ना वो भी पुण्य से, पुण्योदय के। फिर उस लौकिक पढ़ाई का क्या लाभ, पुण्योदय हो, पुण्योदय हो तो कम पढ़ा लिखा भी लाखों कमाता है, और पुण्य पल्ले ना हो तो पढ़े लिखों को भी रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। जरा सोचो तो सही है। अरे तत्व ज्ञानी को तत्वाभ्यास के फल में अल्प काल में केवल ज्ञान का है और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञानी को केवल ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है जिसने इस आत्मा को पढ़ा है, आत्मज्ञान की पढ़ाई को ही सच्ची पढ़ाई माना है, उसे मुक्त सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा है, ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये छोटा सा मनुष्य जीवन है, 60-70-80 साल जितना भी छोटा सा ये है। ये देखा जाए तो इसमें क्या है, अपनी जिंदगी में से 20-25 साल तो पढ़ने में चले जाते हैं। तो जो 20-25 साल, और वो भी शुरू के प्रेम टाइम है, वो ऐसा समय है कि उस वक्त जो पढ़ाई की जाती है वो बहुत अच्छी होती है। यदि सही मार्गदर्शन मिले तो पढ़ाई अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से पाला ही नहीं पड़ता है, जानते नहीं बीमारी क्या होती है, सिर में दर्द क्या होता है। 20-25 साल 20 साल का बालक, 15 साल का बालक, अब तो खैर छोटे छोटे बच्चों को होने लगा कह रहे हैं वही बात है। पर वस्तु संयोग, हाँ एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, एक और पढ़ता हूँ, देखो ध्यान रहे। यहाँ जो पर वस्तु संयोग में आती है वह बंद का कारण नहीं है, और स्वय वस्तु वो भी नहीं है मोक्ष का कारण, और स्वय वस्तु जो त्रिकाली आत्मा है वह मोक्ष का कारण नहीं है, बल्कि पराश्रित व स्वाश्रित स्वरूप जो आत्मा के परिणाम होते हैं वे परिणाम ही अनुक्रम से बंद मोक्ष के कारण है। ये बात मैं पहले समझा दिया, कल भी पूछ रहे थे ना कि भाई कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, तो देखो कारण परमात्मा भी हम ही हैं, अब कार्य परमात्मा भी हम ही हैं, क्योंकि कारण और कार्य दोनों एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। अभिन्न सटकारक का सिद्धांत है ना, वो ये कहता है कि कर्ता भी स्वयं, करण भी स्वयं, कर्म भी, अपादान भी, अधिकरण भी, सब स्वयं होता है। तो कारण भी हम स्वयं है और कार्य भी हम स्वयं है, लेकिन कार्य अभी नहीं हुआ, क्योंकि कार्य भावी निगम नहीं की अपेक्षा, जब भविष्य में हम केवल ज्ञान रूप हो जाएंगे है, परमात्मा बन जाएंगे, तब वो जो भावी निगम नय के हिसाब से आज हम कह सकते हैं कि हम कार्य परमात्मा भी है, कार्य परमात्मा हम हैं अभी, लेकिन कब, भावी निगम नय से, भावी निगम नय से, अभी नहीं, जब होंगे तब है। अभी भी हम जो है कारण परमात्मा है, लेकिन वो भी व्यवहार से। ये थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने आपको नय लगा के थोड़ा सा कठिन कर दिया, अभी व्यवहार से ही है, निश्चय से नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से हमने त्रिकाली द्रव्य को कारण कहा, लेकिन त्रिकाली द्रव्य कारण नहीं है, त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले परिणाम वो है असली कारण। ठीक है, समझ में? त्रिकाली द्रव्य को कारण भले ही कह दो, लेकिन वो व्यवहार से ही होगा। त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जो रत्नत्र परिणाम होंगे वे असली कारण परमात्मा है, असली कारण परमात्मा। ठीक है, वो निश्चय से, तो निश्चय से कौन है असली कारण परमात्मा, रत्नत्र के परिणाम। ठीक है, और कार्य परमात्मा जब हम स्वयं अनंत सुख अनंत ज्ञान वाले बन जाएंगे, वो भावी निगम नय से। तो देखा जाए तो अभी भी हम व्यवहार से कारण परमात्मा है, व्यवहार से, न कि निश्चय से। और ऐसे ही भावी निगम नय से अभी हम कार्य परमात्मा भी है है ना, सच में नहीं है, भावी निगम नय से है। तो ऐसे ही हम आज ही कारण परमात्मा है, आज ही कार्य परमात्मा है, लेकिन दोनों की अपेक्षा अलग है, ऐसा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। आगे की जो बात है ये तत्समय की योग्यता वाली, वो थोड़ी सी ज्यादा कठिन हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, है ना। हालांकि पढ़ भी सकते हैं, कठिन ना हो जाए कोई बात नहीं, पढ़ देता हूँ थोड़ा सा है। इसमें ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रश्न है, कठिन हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आए जो समझ लेना, नहीं समझ में आए वो छोड़ देना। यहाँ कोई कह सकता है कि त्रिकाली उपादान में अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं, त्रिकाली उपादान में अनेक प्रकार की योग्यता, लेकिन जब जैसा निमित्त मिल जाए वैसा ही कार्य हो जाता है, ऐसा कोई प्रश्न। तो उत्तर दिया जा रहा है कि नहीं,
ऐसा तो वो कहते हैं जो निमित्त प्रधान दृष्टि वाले हैं, जो निमित्त को ज्यादा वरीयता देते हैं, ज्यादा उनको उनके वो कह सकते हैं ये बात। ऐसा नहीं है कि निमित्त के अकॉर्डिंग काम होता है, काम तो उपादान के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन और निमित्त भी कोई एक दो थोड़ी, निमित्त तो सैकड़ों मिलते हैं तो फिर काम किसके अनुसार होगा, फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निमित्त तो बहुत है, उपादान एक ही है। तो हम आसान यही है कि उपादान के अनुसार कार्य हो जाता, ठीक है। फिर उसमें भी उपादान के अनुसार भी कार्य कहना वो भी स्थूल कथन है, मोटा मोटी तौर पर है, वो एक्चुअल बात वो भी नहीं है। तो क्या है एक्चुअल बात, कि वो जो त्रिकाली उपादान है ना, उसमें भी अनादि से लेकर अनंत काल तक की हर समय की एक एक पर्याय व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, फिक्स है। तो जब जिस समय पर जो पर्याय आनी होगी, समझिए 11:01 पर, 1 सेकेंड पर, फिर 2 सेकेंड पर, फिर 3 सेकेंड पर, फिर 4 सेकेंड, मतलब ये तो खैर उदाहरण है, एक एक समय पर, एक एक समय पर जो 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 पर्याय आनी होगी, वो पर्याय उस समय पर आएगी। तो वो जो समय हुआ उसका, वो समय उसका, उसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में तत्समय की योग्यता, तत्समय की योग्यता। तो वो जो तत्समय की योग्यता है ना, वो उसका असली उपादान कारण है, उसकी उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब देखो, उपादान ना तो निमित्त की अकॉर्डिंग हुआ और ना ही उपादान के अकॉर्डिंग हुआ, क्योंकि उपादान तो 24 घंटे अनादि से, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ काम, निमित्त के अकॉर्डिंग भी नहीं, उपादान के अकॉर्डिंग भी। तो किसके अकॉर्डिंग, कि उपादान में भी जो जिस समय जो कार्य होना है वो उस समय पर होगा, इसका मतलब वो समय जो है वो समय ही उसका असली उपादान कारण, उसको कहा तत्समय की योग्यता ही असली उपादान कारण है। ये समझा है, है? अष्ट शास्त्री के 58वें श्लोक की टीका में भी ये बात कही है, चित विलास में भी पेज 36 पर कही है, क्या कही है कि परिणाम क्षणिक उपादान है, गुण शक्ति शाश्वत ध्रुव उपादान है, ध्रुव को द्रव की शक्ति को उपादान कहकर तो व्यवहार सिद्ध किया है। प्रकट पर्याय में जो निर्मल दशा प्रकट होती है, प्रकट पर्याय वह क्षणिक उपादान है, क्षणिक उपादान माने कारण परमात्मा, वो जिस समय होना होगा वो समय होगा, वह यथार्थ निश्चय है, वह वर्तमान पर्याय निमित्त के आधार से तो होती ही नहीं है, निमित्त से नहीं होता, उपादान से भी नहीं होता, उपादान की तत्समय की योग्यता से होता है ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर इस गाथा में यही कहा कि बंद जो है वो न स्वद्रव से होता है और ना ही परद्रव से होता है, है दोनों से ही नहीं होता, कुल मिलाकर के इतनी बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये 265वीं गाथा जो है आज थोड़ी सी कठिन थी, इसलिए इसको थोड़ा सरल बनाने की कोशिश की, और दोबारा रिपीट इसलिए किया कि वो आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें जो है न्याय शास्त्र के शब्द थे, कुछ न्याय शास्त्र की भाषा थी वो, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आज स्पष्टीकरण किया, और आज की बात को यहीं पूरा करते हैं, और आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना का, किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या, कठिन तो नहीं हुआ आज, तो सरल हुआ होगा, थोड़ा सरल हो गया है। जब ये सोचा ना कि गार्मणिक वर्गना तो सभी जगह ठस और ठस भरी हुई है, लेकिन सिद्ध भगवान को क्यों नहीं थे, क्योंकि उसका उपयोग ही ऐसा नहीं है ना। हाँ, गार्मण वर्गना वहां पर भी है, जहाँ सिद्ध भगवान वहां पर भी है, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसे, तो पर द्रव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपने जिनवाणी में ये कहा, हर द्रव स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की जोरदार बात कही है, हर द्रव स्वतंत्र है। बताओ, वही सिद्ध भगवान, वही निगोदिया जीव, और वही कारमण वर्गणा है, सब अपने अपने में। तो ऐसा है सिद्धांत, कोई द्रव किसी का कर्ता धर्ता नहीं, ये बात है, समझ में आ गई। चलो, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल आएगा ना, जरूर आएगा एकदम, जरूर, ठीक है। तो आज के लिए जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर।